मुदाखलत सॉफ्ट हो या हार्ड, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे वरना सब घर जाएंगे। शेख रशीद का हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाए जाने के मुतालबे पर रद्द अमल, कहा तमाम गैर मुतल्लिका अफराद फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं, मामला डिप्टी स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट का है। वाज़ेह रहे कि इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा किया है। इनका कहना था कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है, फुल कोर्ट बनाया जाए। जबकि पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि पंजाब में 3 माह से जाली वजीर आला बैठा हुआ है, हमें नहीं लगता कि 13 जमाती इत्तेहाद इस केस का दिफा कर पाएगा। ये नहीं हो सकता कि 13 जमातें जजों पर तनकीद करें और दबाव डालें। बारिशों के दौरान कराची पुलिस हाई अलर्ट, डीआईजी साउथ, डीआईजी वेस्ट, डीआईजी ईस्ट और डीआईजी ट्रैफिक पुलिस ने हंगामी सतह पर पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया। डीआईजी साउथ शर्जील खरर का अफसरान और नौजवानों को अपने इलाकों में अलर्ट और रोड पर रहने का हुक्म, बारिश के दौरान शहरियों की मदद यकीनी बनाने की हिदायत। डीआईजी साउथ ने कहा कि शहरियों की मदद हमारा फर्ज है, कोई कसर उठा न रखी जाए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बारिशों के दौरान तमाम एसओज और डीएसपीज अपने अपने इलाकों में सड़कों पर मौजूद हैं। पुलिस पेट्रोल और मोबाइल के साथ मोटरसाइकिल और कार मैकेनिक भी मौजूद हैं। जरूरी स्पेयर पार्ट्स मसलन प्लग, करंट वायर, ग्रीस और दीगर सामान भी मौजूद हैं। सड़कों में फंसे शहरी, बारिश की वजह से खराब होने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियों को रेस्क्यू करने के लिए मुतासरा शहरी ट्रैफिक पुलिस से हेल्पलाइन 1915 डायल करें और मदद लें। सिंध पुलिस के छापे, एक हफ्ते में 529 मुलजमान गिरफ्तार, गिरफ्तार मुलजमान से असला, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक शहर में इस्तदाद जराइम के दौरान डाकुओं से पुलिस के 9 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 13 जख्मी डाकुओं समेत 15 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 12 पिस्तौल, 17 मोबाइल फोन और 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए मालियत की 48 किलो 352 ग्राम चरस, 1 किलो 982 ग्राम हेरोइन और 910 ग्राम आइस बरामद की गई। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरियों से लूटमार और दीगर वारदातों में इस्तेमाल शुदा 104 से जायद मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा बमा एमुनेशन तहवील में ले लिया गया। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए मजमूई तौर पर छीनी और चोरी शुदा 32 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां तहवील में ली। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, खसूसन सरहदों और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर पाक फौज के सरबराह ने मुल्क में जारी कामयाब इस्तदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तारीफ की। उन्होंने पाक फौज के अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। कॉन्फ्रेंस में सिविल इंतजामिया के साथ रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन के अज़्म का इजहार किया गया।